सालों से बोल रहे हैं हम लोग और आई थिंक हमारे वीडियोस रिकॉर्ड पे भी हैं डिफेंसिव ऑफेंस में कई बार मैंने बोला है और हम दोनों के बीच में जब बातचीत होती है हम दोनों ये कहते थे ये बच गया कभी ये कोविड के चलते बच गया कभी ये इसलिए बच गया क्योंकि जो पाक फौज में दरार थी जो प्रो इमरान एलिमेंट्स थे उनकी उस समय चल रही थी जनरल फैज हमीद का नाम इसमें टॉप पे है कभी जो पीडीएम था उसमें एके की कमी थी मौलाना फजल लेड पी डीएम जब कोविड भी खत्म हो गया तो ये ना ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि जब कुछ चीज होनी होती है तो तारे मिल जाते हैं ना द स्टार्स इन परफेक्ट अलाइनमेंट हुआ क्या तीन चार पांच चीजें हो गई जो मैं बता देता हूं कि इमरान खान गया क्यों चला गया सबको पता है शहबाज शरीफ नया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का वो भी बात तय है लेकिन ये हुआ क्यों देखिए बात यह ना सबसे पहले आई थिंक इट ऑल starts with द discomfort ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अगेंस्ट इमरान खान उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया कभी ज्यादा डिस्कस करेगा भी नहीं उसको क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को क्या डिस्कस करना है और क्या नहीं करना है ये उनको बताया जाता है इट्स नॉट अ फ्री मीडिया एब्सोल्युटली फ्री मीडिया नहीं है वो तो एक तो वो बात हो गई ये जब प्रधानमंत्री नहीं भी था पाकिस्तान का तब भी इसी पैक को वैली देता था और जब ये बना इसने बोला कि ना हो, ये लाओ जरा कॉन्ट्रैक्ट ये लाओ और इसने बोला कि सी पैक जो है वो डाका है पाकिस्तान पे इसका ओवरऑल ये नैरेटिव है कि इट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री जो कि बात सही कह रहा है इमरान गलत नहीं कह रहा सी पैक डाका है लेकिन आप चीनियों को ये नहीं बोल सकते कि भाई आप लोग डाका डाल रहे हैं चीनी आपकी जेब भी काटेगा का और आप उसको धन्यवाद भी बोलेंगे हाथ जोड़ के दैट इज द चाइनीज कल्चर अब एक तो पहली बात है दूसरी चीज ये है कि इसको चीज़ें ठीक करने जब नवाज शरीफ के साथ रिश्ते बिगड़े नवाज शरीफ के साथ जब रिश्ते बिगड़े तब उस जमाने में भी इनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर सके उनको लगा इमरान खान कंट्रोल में आ जाएगा यही गलत फहमी देखिए गलती दोनों तरफ से है हर पाकिस्तानी सियासतदान जो प्रधानमंत्री बनता है उसको ये लगता है कि मैं फ़ौज को अपनी जेब में रखूंगा ठीक है और हर समय पाकिस्तानी फौज को लगता है कि जिस सियासतदान को हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं देश का वजीर आजम बना रहे हैं वो हमारी जेब में रहेगा ये दोनों को गलत फहमी है भुट्टो को भी यही गलत फहमी थी राइट और भुट्टो को बनाने वाला कौन अयूब खान उसको भी गलत फहमी थी बाद में जियालख को भी यही गलत फहमी थी जियालक ने बनाया नवाज शरीफ को मुशर्रफ को ये गलत फहमी थी और नवाज शरीफ को गलत फहमी थी अब बाजवा और इमरान खान के बीच में यही गलत फहमी है सो ये पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें कुछ नया नहीं हुआ बस इसमें ब्लडशेड नहीं हुआ इसमें कू नहीं हुआ इसमें एक पॉलिटिकल कू हो गया एक 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 तरीके से अगर मैं बोलूं तो हुआ क्या एक तो चाइनीज वाला फैक्टर है एक पाकिस्तान आर्मी और इसके बीच वाला इसकी आदत थी फालतू की बकवास करने की ना तो ये इसको लेडबर इसके जो वजीर और मुशीर थे ये भी बोलने से इन बाज नहीं आते शहबाज गिल की जबान पता नहीं क्या है उसमें ब्रेक है ही नहीं ठीक है अपने शेख रशीद वो कभी रुकते नहीं इतनी उम्र हो गई पोते पोतियों के साथ खेलने की उनकी उम्र है वो वैसे भी नहीं रुकते और ऐसे भी नहीं रुकते ठीक हो गया अब ये अपने ये हैं शाह महमूद कुरैशी वो नहीं रुकते अपने डब्बू जी हैं फवाद फवाद हुसैन चौधरी वो नहीं रुकते तो क्या है कि इनके सब दे आर लूज देन द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान प्राइसेस गोइंग थ्रू द रूफ हाहाकार मच गया एक आम आदमी भाई भाई, भाई भाई ये सब चीज़ें काउंट भाई हमने क्या डिस्कस करा था डिफेंस ऑफेंस में अब आम हिंदुस्तानी ये पूछेगा कि फौज का क्या लेने देना अरे आम पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहा है कि तुम लाए किस भाई ये हमारे ऊपर कौन से शैतान को मसलत कर दिया है कि हम अभी ना उगला जाए ना निगला जाए यार तो फौज पे बात आ गई ठीक है अब फौज पे बात आ गई तो फिर फौज ने जो एक्शन लेना था तो ये इमरान खान का ये बयान की लोगों को खरीद लिया था लोग बिके हैं ये ये भी बयान इमरान खान का झूठ था बिल्कुल ना मैं इसलिए झूठ कह रहा हूं कि भाई अगर खरीदे गए हैं तो तो कोर्ट बोलेगा खरीदे गए आपके पास कोई इख्तियार ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि खरीद आपके पास क्या प्रूफ है आपके पास क्या प्रूफ है शाह महमूद कुरेशी जो इनका जो इनका फ़ारेन मिनिस्टर था शाह महमूद कुरेशी तो बचपन से लौटा है वो शाह महमूद कुरेशी के ऊपर वही चीज़ है वो कानपुर वाली की ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं इसने ये तो पीपल्स पार्टी में भी था तो ये हर घाट घाट का पानी पी के शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग पहली बार क्या पहली बार वजीर बन रहा है ये आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर था इनका पाओ पाओ किलो के बम वाला ये पहली बार मिनिस्टर बन रहा है नहीं ये सब किसी ना किसी सत्ताधारी पार्टी के साथ जुड़े रहे और बनते रहे तो इमरान खान का ये कहना कि भाई ये पैसा लेके मुझसे अलग हो गए तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये शाह महमूद कुरैशी का पैसा लेके नहीं आया था तुम्हारे पास सभी पैसा लेके आए थे भाई बिलावल भुट्टो ने तो नेशनल असेंबली में बोला था वैभव कि इमरान खान को जिसको कहते हैं ना पाकिस्तानी लग पता जाएगा इमरान खान को लग पता जाएगा कि इनका जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी ये चीज क्या है जनाब स्पीकर जितना हम जानते हैं ना फाजिल मेंबर मुल्तान को